क्या 292 एक विधानसभा मंत्री जी उत्तर पड़ा गया। मेरे प्रश्न पूछ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले भी यह प्रश्न पूछ चुका हूँ, ये दूसरी बार ये है। प्रश्न के उत्तर में प्रशिष्ट खप में मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को दिनांक 1 जनवरी 2000 को लिखे गए पत्र में विद्युत विद्यालय की संख्या 11,154 बताई गई, लेकिन ठीक एक वर्ष बाद 8 जुलाई 2022 को राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जिला कलेक्टर को लिखे गए पत्र विद्युत विद्यालयों की संख्या 12,093 दर्शाई गई। क्या यह क्या कारण रहे हैं कि केवल एक वर्ष के अंतराल में 993 विद्यालय में बिजली कनेक्शन बढ़ गए हैं? इसका कारण क्या है? या तो काट दिए गए हैं, ऐसा क्या हुआ जो और बढ़ गए हैं? और दूसरा यह है, क्या सरकार अब मेरे विधानसभा में 9 विद्यालय और चित्तौड़गढ़ में कुल 211 विद्यालय बिजली से उपलब्ध कराने का विचार रखती हैं? हाँ तो कब तक? इसका पहले भी मैंने पूछा, उनका तारीख नहीं बताई, आप तारीख बता दें कब तक इनके कनेक्शन करवा दिए जाएंगे, क्योंकि गाँव में जो गर्मी है उसकी वजह से परेशान है। अध्यक्ष महोदय, इनका जो मूल प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कितने विद्यालय हैं? उसमें 8 तो प्राथमिक विद्यालय और 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय में कनेक्शन नहीं है। इसमें मुख्य रूप से पहला छापिया खेड़ी की फाइल व डिमांड विद्युत विभाग में जमा करा दी गई है, कनेक्शन जल्दी होने की संभावना है। माननीय मंत्री जी, अब उनका स्पेसिफिक प्रश्न है, ये पहले भी दिया गया है, किस तारीख तक इन 8 स्कूलों में कनेक्शन हो जाएंगे? इनके विधानसभा क्षेत्र में आगामी 6 महीने में तमाम जो बचे हुए स्कूल हैं उनमें कनेक्शन कर दिए जाएंगे। 9 विद्यालय में 6 महीने लगेंगे? नहीं, इनका प्रश्न दो है, एक तो उन्होंने टोटल बनाया चित्तौड़ में 200 पे हैं, 9 विद्यालय के बारे में ये सूचना पहले भी दी गई, प्रश्न पूछा गया और आज दिन तक वह कनेक्शन नहीं हुए, तो पहला तो ये कि 9 वाले में कब हो जाएंगे और 200 वाले में कब हो जाएंगे? ऐसा है कि चित्तौड़गढ़ जिले में सितंबर 2018 तक 63% विद्युतविहीन स्कूलें थी, इसमें से करीब करीब अब 98% स्कूलों को हमने विद्युत कनेक्शन कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ जैसे जैसे समग्र शिक्षा में 5 स्कूलों के लिए अभी हमने चित्तौड़गढ़ जिले में पैसे दिए हैं, प्रत्येक यूनिट को 75,000 रुपये, तो 5 स्कूलों का जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आगे जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा, मैंने इसलिए आश्वासन में सेफ रह के कहा है मैं आगामी 6 महीने में इनके विधानसभा की सभी स्कूलों के कनेक्शन करवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी 2021 में पूछा, जो भी स्थिति यही से और 2021 से 2023 में पूछ रहा हूँ, वो की वो स्थिति आज की तारीख में वही स्कूल है, वही है, पहले बड़ी और घटी नहीं, इसलिए आप मेरे को ये कहते हैं 6 महीने में, तो 6 महीने कौन देखा? क्या पता है मंत्री जी रहेंगे नहीं, क्या होगा? आप कुछ काम आपको भी करने पड़ेंगे ना, कुछ काम आपको भी करने पड़ेंगे। 6 महीने में हम रहेंगे, आगे भी हम रहेंगे, वो आप थोड़ा बता दे। माननीय मंत्री जी, ये 2021 से लगाकर 2023 आ गया, वो उनका प्रश्न ये है कि 2021 में भी वो स्थिति थी, 2023 में भी वो स्थिति है, इसका मतलब 2 साल में स्कूल में कनेक्शन नहीं हो रहे? ऐसा है, ऐसी स्थिति नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी एक स्कूल में तो डिमांड नोटिस जमा हो गया, फिर इनकी एक एक स्कूल का मैं बता सकता हूँ कि चित्तौड़गढ़ दल्ला का खेड़ा में विद्युत विभाग में जमा कराई गई। डिटेल में नहीं, प्लीज आप जनरल बात करें, डिटेल में जनरल नहीं होगा। 9 स्कूलों में एक एक का मेरे को ब्यौरा है ना, आप सिंपल 2021 से कितने कनेक्शन हुए 2023 तक? 2021 से लगाकर 2023 तक चित्तौड़ में कितने कनेक्शन? 2021 और उसके बीच में मैं तो था ही नहीं, मैं तो अभी 1.25 साल से हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे आने के बाद अध्यक्ष महोदय मंत्री आप मैं आई एम ऑन लेक, यू आर द गवर्नमेंट, वेदर यू आर द मिनिस्टर नो मिनिस्टर इज नॉट इरेलेवेंट। आप जब यहाँ पर जवाब देते हैं तो मंत्री के हिस्से से जवाब देते हैं, पिछले कौन मंत्री था, नई मंत्री था, उसका कोई संबंध नहीं है। सिंपल ये है कि 2021 से लगाकर 2023 तक आपके पास सूचना हो तो बता दें, नहीं सूचना तो सूचना कलेक्ट करके सूचना दे दें। इसे प्रश्न कर ले, मैं बता दूँ। अलग से प्रश्न नहीं, आप इसी प्रश्न की सप्लीमेंट्री में इनको सूचना दे दें कि 2021 से 23 तक चित्तौड़ में इतने कनेक्शन हुए। अगला प्रश्न, शंकर मान सर प्लीज बेटा प्लीज, आई विल नॉट अलाउ इट। अगला प्रश्न